नमस्कार, स्वागत आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कई जगह तो कैंडिडेट्स का भी ऐलान हो गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए जितनी मेहनत पार्टी के नेताओं ने की है उससे कहीं ज्यादा है। एक सीट को जीतने के लिए पूरे जोर के साथ अपने क्षेत्र में कैंडिडेट्स लगे हुए हैं। अब बात करें बीकानेर सीट की। बीकानेर सीट अपने आप एक ऐसी सीट है जिसपे हर किसी की निगाहें टिकी हैं। दरअसल यहां आमने सामने कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चौथी बार मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल पर विश्वास जताते हुए बीकानेर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। बीकानेर के रण में दोनों योद्धाओं के बीच मुकाबला तो दिलचस्प ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल एक बार फिर से 15 साल बाद आमने सामने होने वाले हैं। बता दें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। वहीं गोविंद राम मेघवाल ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था जिसमें उनकी हार हुई थी। वहीं 2009 के बाद हर बार कांग्रेस पार्टी यहां से नए नए प्रयोग किए हैं। बता दें इसके बावजूद जीत नहीं मिली है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में गोविंद राम मेघवाल को कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए टिकट दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल टेलीफोन ऑपरेटर थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अपना राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया। बता दें पहली बार 1998 में नोखा की सीट से विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा जिसमें उन्हें हार मिली। वहीं 2003 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत गए। 2008 में नोखा सीट सामान्य होने के बावजूद खाजूवाला से कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन वहां से भी वो हार गए। इसके बाद 2009 की बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। बगावत करते हुए बसपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वे तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2013 में कांग्रेस में फिर से वापसी हुई उनकी। खाजूवाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन उसमें भी उनको हार मिली। अब बात करें 2018 की तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खाजूवाला से चुनाव जीतकर विधायक बने हुए। वहीं प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। इस दौरान गोविंद राम मेघवाल को आपदा मंत्री बनाया गया। कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियां भी बटोरी उन्होंने। बता दें गोविंद राम मेघवाल लगातार कई बार केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जुबानी हमले करते हुए घिरते हुए भी नजर आए हैं, जबकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कभी भी उनके बयानों पर पलटवार नहीं किया। आगे बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल हमेशा से यह कहते हुए आए हैं कि मैं पॉजिटिव राजनीति करता हूं, मैं पॉजिटिव ही राजनीति करूंगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।